हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। आज मैं मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एक विषय पर चर्चा करूंगा, वो है शासन और प्रशासन में अंतर। लगातार ये पूछा जा रहा है कि सर, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर बताइए। ये एक ऐसा विषय है जो लोगों को परेशान करता रहता है। इंटरव्यू में तो इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और देश के नागरिक होने के नाते भी आपको इस शब्दावली को समझना चाहिए। तो बहुत आसान सी शब्दावली ये है कि शासन नीतियों का निर्माण करता है और प्रशासन उसका क्रियान्वयन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर एक लाइन में आप समझना चाहें तो शासन नीतियों का निर्माण करता है और प्रशासन उसका क्रियान्वयन करता है। ये शासन और प्रशासन में क्या डिफरेंस है, राजनीति शास्त्र का ये विषय है, और इस पर मैं बहुत डिटेल में आपको स्लाइड में समझाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्या परिभाषा देती है, क्या परिभाषा हम समझते हैं, और बिंदुवार इनमें क्या अंतर हो सकते हैं। तो इस लेक्चर को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए, नोटपैड और पेन ऑन कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और समझते चलिए मेरे साथ स्लाइड में कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो किसी भी देश को विकास के मार्ग पर चलाने के लिए जनता द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। उस देश की जनता के द्वारा उन्हें संविधान के माध्यम से कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। संविधान उन प्रमुख व्यक्तियों को तानाशाह बनने पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। देश को चलाने के लिए कुछ नीतियों का भी निर्माण किया जाता है। ये सब कार्य उन प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिसे जनता ने चुना है। इसे हम कहते हैं शासन। अब जब नीतियां बना दी गई हैं तो नीतियों को उचित रूप से जनता तक पहुंचाना और उनका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये कहलाता है प्रशासन। अर्थात शासन के द्वारा प्रशासन को दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। विश्व बैंक ने शासन की परिभाषा दी है जिसके अनुसार समाज की समस्याओं और मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक अधिकार और संस्थागत संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना ही शासन है। वहीं प्रशासन का अर्थ उस क्रिया से लगाया जाता है जिसके द्वारा किसी निश्चित संस्था के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किए जाते हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओपन करें तो पता चलता है कि प्रशासन क्या है। इसकी परिभाषा साधारणतः दी गई है, नगर संस्था आदि के अधिकारों कर्तव्यों को कार्य रूप देना प्रशासन है। शासन और प्रशासन में मैं आपको स्लाइड में अंतर बता रहा हूं, आप वन बाय वन देखते चलें। सबसे पहले आप देखें शासन क्या है। किसी सरकार के गठन को उस देश का शासन कहा जाता है। फिर प्रशासन क्या है, सरकार द्वारा किए गए निर्णय को लागू करवाना, सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसको लागू करना, ये प्रशासन का कार्य कहलाता है। जहां शासन किसी व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा या किसी चुने हुए लोगों द्वारा या लोगों के समूह द्वारा चलाया जाता है, वहीं प्रशासन कोई संस्था हो सकती है जिसका गठन शासन द्वारा किया गया हो। लोकतंत्र में शासन के व्यक्ति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, वहीं शासन के लिए चुने गए व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करने का कार्य प्रशासन करता है। शासन नीति का निर्धारण करता है और प्रशासन नीति का अनुकरण करता है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रशासन शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अभी आपने इस स्लाइड में समझा कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। बहुत ही छोटे लेक्चर में बहुत सारी बात बताने में मैं कामयाब रहा होऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ज़रूर बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमसे जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।